वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग न्यू सिलेबस स्टार्ट करेंगे, क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री चैप्टर वन, राइट। तो चैप्टर वन हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड के बारे में आप जानते ही होंगे, तो पहले आगे अगर सिलेबस शुरू करें तो उसके पहले कुछ समझना चाहिए कि हमारी बुक में है क्या। तो आपकी दोनों बुक्स मिलाकर कुल हमारे तीन मार्क्स हैं, और साथ में वीडियो भी बता देते हैं कि जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, साथ में कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट साथ में पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो को बाद में वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, तो अगर हमारे तीन मार्क्स हैं बुक्स में, तो कुछ इस प्रकार देखें। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री क्लास तो आप अगर पहली बार शुरू कर रहे हैं तो पहले जानना आवश्यक होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो तीन पार्ट्स हैं इसके। कितने पार्ट्स हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बुक्स हुई है, जिनमें से जो फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर है वो बोला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री। सेवन टू नाइन क्या है हमारा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और टेन टू सिक्सटीन क्या है? ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो जैसे कि टर्म है, हाँ, इसमें से क्योंकि कोरोना के कारण सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है 20%, तो जो आपके पॉइंट्स हट गए हैं वो निकल जाएंगे। अब इस साल नया सिलेबस कितना आता है वो अभी इंतज़ार करने की बात है। हो सकता है कि ये दिक्कत तो नहीं आपको, शिफ्ट कर सकते हैं नया सिलेबस। मे बी संभावना ये भी 70% ही रहेगा। अगर और ज़्यादा रिड्यूस होता है तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल शुरू के अभी चैप्टर्स और सिलेबस में रहेंगे ही रहेंगे, बाकी सिलेबस नया एग्जाम के बाद आएगा जब तो उनके एग्जाम बोल के हो जाएगा। तो फिलहाल अभी यही हमारा क्राइटेरिया है कि तीन हिस्सों में केमिस्ट्री को बांट सकते हैं। पहला फिजिकल, भौतिक केमिस्ट्री, जैसा नाम ही है भौतिक, कि भौतिक जगत में केमिस्ट्री किस प्रकार से, राइट। नाउ इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक रसायन, मीन कंपाउंड्स जिनमें कार्बन का अस्तित्व तो नहीं है, जैसे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, राइट, सॉरी डी ब्लॉक कह रहा है, पी ब्लॉक से, ठीक है, ये हमारा इनऑर्गेनिक आता है। नाउ उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनिक, या हम कह सकते हैं जिनमें मुख्य रूप से हम कार्बन को प्रमुखता से देखते हैं, क्योंकि प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो यौगिक है वो किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। और स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप टारगेट कर लें कि चैप्टर वाइज की इस चैप्टर से कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, राइट, और उसी हिसाब से तैयारी करें कि हाँ, अगर हमारे इस चैप्टर से 5 मार्क्स है या 4 मार्क्स है, तो ये नहीं कि आप उससे बहुत लेंथी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। स्टडी टारगेट होनी चाहिए, टारगेट समझ रहे हैं ना, कि हाँ मुझे इस चैप्टर से 5 नंबर अचीव करने हैं या 7 नंबर अचीव करने हैं। बिना टारगेट की स्टडी का कोई महत्व नहीं होता कि आप घंटों का घंटों पढ़ रहे हैं और पता चला वो टॉपिक 1 नंबर का। इट्स मैटर कि आपको मेहनत कहाँ ज़्यादा करनी है। अक्सर यही होता ना कि आपने मेहनत तो की पर आपको रिजल्ट आउटपुट नहीं मिला। तो ट्वेल्थ के रिगार्डिंग हमारा टारगेट स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। हाँ, रिड्यूस है तो छोटा है पर बड़ा है, राइट ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका पिक्चर ऐसा ही है। क्योंकि पेपर कम आता है तो लगता है कहाँ से आ गया, ये तो कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसा ही ट्वेल्थ का पेपर होता है। तो फिलहाल इस साल जो ट्वेल्थ में थे उनके लिए तो काफ़ी बल्ले बल्ले वाला बात है, देखिए क्या होता है। आप लोग के लिए ऐसा नहीं रहेगा, पूरी संभावना है आप लोग को पेपर अच्छे से देना होगा, तब तक कोरोना अपने दुनिया से जा चुका होगा, ठीक है ना, उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था चैप्टर के जाने से पहले चलते हैं कि ठोस अवस्था है क्या। प्रकृति में कोई भी जो वस्तु पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? मैटर, राइट, एक मैटर और होता है कि क्या
क्या मामला है, व्हाट इज मैटर, वो वाला मैटर नहीं है, ये द्रव वाला मैटर है। दो चीज होता है ना, द्रव एंड द्रव, राइट ना। तो बताओ ये कौन सा मैटर है, द्रव वाला कि द्रव वाला? द्रव है। वो अगर आप वो कथा वो बचपन सुने वो कथा वगैरह होता नहीं, तो पंडित जी कहते ना द्रव्यम समर्पयामि, राइट ना, द्रव्यम समर्पयामि। तो खैर आजकल द्रव्य की परिभाषा बदल गई है, राइट। लेकिन यहाँ पे द्रव्य से अभिप्राय था कि कोई भी जजमान कोई भी द्रव्य समर्पित करें स्वच्छा से आगे टॉपिक करा। तो दैट इज द्रव्य, क्या है अब जो आपका द्रव्य है वो पुनः बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो कितने हिस्सों में बांटा गया है द्रव्य, कौन से या? अभी इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है, मैं क्लासिफिकेशन बोला, राइट। किसी भी चीज को बांटने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं एक बगीचे में खड़ा हो जाऊंगा तो मैं इनको भाई पेड़ों को वर्गीकृत करो, तो आप सीधे सीधे भी कर सकते हो, तिरछे से भी कर सकते हो, पेड़ों के आकार से कर सकते हो, पेड़ों के प्रकार से कर सकते हो। वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है ना। तो ऐसा ही धूप में भी होता है, टॉपिक एक ही होता है, उसे कई प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, आणविक अवस्था, राइट ना। तो वैसे ही अगर हम द्रव्य की पहले बात करें तो इजीली हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज भौतिक और दूसरा रासायनिक। अच्छा, भौतिक में फिजिकल, भौतिक स्टेट में किस प्रकार से, तो फिजिकली कोई भी जो मैटर होगा किन हिस्सों में बांटा जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस, यही फिजिकल स्टेट हुई ना। तो देखो भौतिक स्टेट इसकी क्या है हमारी, ठोस। अब देखो ये द्रव, दैट इज द्रव, द्रव और गैस। तब बताइए रासायनिक रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है, शुद्ध और मिश्रण, शुद्ध और मिश्रण, ठीक है। अब इसमें हमें इसके बारे में इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में खाली इस स्टेज को पढ़ेंगे, ठोस अवस्था, कौन सी अवस्था, हाँ। सेकंड चैप्टर पर पढ़ेंगे हम ये रासायनिक विलयन जो आता है, राइट ना, वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस। तो पहले अब यहाँ पे इनको और भी क्लासीफाई किया जा सकता है। अब शुद्ध भी दो प्रकार के हो सकते हैं, शुद्ध कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो बताइए कौन से, एलिमेंट जो हमारे 118 ज्ञात तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, मिश्रण दो प्रकार का हो सकता है, राइट। सामग्री जिसको ही विलयन कहा जाता है, इसको ही क्या कहा जाता है, विलयन, और दूसरा विस्मर, जो आपस में ना मिले, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ठोस। अच्छा, ठोस की बात करें तो प्रकृति में बहुत सी चीजें ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव में भी, गैस में भी, और वहीं तत्व तो एलिमेंट्स है जो हमारे यौगिक, जैसे हम चीनी ले लें, नमक ले लें, यौगिक हो गया। समांगी विलयन जैसे कि नमक और पानी का, विसमांगी विलयन नमक और चीनी का, नमक और चीनी का मिला तो मिलेगी अलग से, फिर अलग किया जा सकता है विसमांगी। तो ये हमारा एक उनका क्लासिफिकेशन हो गया कितने प्रकार से बांटा गया है। अब बात करते हैं ठोस अवस्था की, तो इस चैप्टर में जो भी चीजें आप पढ़ेंगे सब की ठोस अवस्था की बात की जाएगी, सॉलिड स्टेट मीन। अगर यहाँ पे कहीं जल भी आ रहा है तो बात किसी कर रहा है, बर्फ की, राइट ना, मीन उसकी आइस की, जल की ठोस अवस्था क्या है, आइस। इस सॉलिड स्टेट में वह तत्व या यौगिक किस प्रकार व्यवहार करता है, ठीक है। अब अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ठोस अवस्था को पुनः पहले हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, उसमें जाने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा चलिए, आप लोग बताइए कोई भी वस्तु ठोस, द्रव या गैस क्यों होती है, तार्किक
ताप के कारण और कुछ दाब और एक और बहुत क्लू है उनके मध्य लगने अणुओं के मध्य परमाणु पर लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण या अंतरावैविक बल राइट। अगर वो प्रबल होगा तो आपस में खींच के रखेंगे, दुर्बल होगा तो ढीले रहेंगे, नगण्य होगा तो बहुत दूर दूर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे आसपास अगर बात करूँ ढेर सारे गैसेस गैस के पार्टिकल्स हैं, है कि नहीं है? मैंने अपने हाथ को मूव किया, पार्टिकल्स क्या हुए? दूर दूर हट गए। अच्छा पानी में मूव किया तब भी दूर दूर हट गए, ठोस में मूव करे तो वो नहीं हटेंगे, आपका हाथ हो जाएगा राइट ना। ईंट पे मारो तो इससे क्या होगा? अब बताएगा ना कि मैं ठोस हूँ राइट, ऐसा ही होगा। तो आइए देखते हैं पहले क्या है ऑप्शन करें। ठोस, ठोस की बेसिक डेफिनेशन क्या है? आपने पहले पढ़ी होगी बेसिक डेफिनेशन ठोस की, या जैसे जिसके आकार व आयतन क्या हो निश्चित हो। ओके, द्रव की बेसिक डेफिनेशन, द्रव दैट इज पान बेसिक डेफिनेशन लिक्विड, आकार निश्चित है वायु निश्चित, हाँ राइट। अब जब हम द्रव की बात करेंगे तो आकार निश्चित नहीं है, अगर वही एक लीटर पानी हमने छोटे बड़े डब्बे में रखे तो कम आयतन उसको आकार बदल जाएगा, फैला के रखें तो आकार बदल जाएगा, पर दोनों ही स्टेज में एक लीटर अगर जल ले रहे हैं पानी ले रहे हैं तो एक लीटर ही वह आयतन नहीं चेंज होगा। नाउ थर्ड गैस, गैस आकार और आयतन दोनों अनिश्चित राइट। इतने बड़े रूम की गैस को एक छोटे से डिब्बे में भी रखा जा सकता है, आकार भी निश्चित नहीं है, कहीं भी फैल सकती है, आयतन भी निश्चित नहीं है। इस प्रकार हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ये क्या होगा निश्चित आकार आयतन या वॉल्यूम बोलते हैं जिसे राइट, और ये अनिश्चित आकार और निश्चित आयतन, और इसके लिए दोनों ही क्या है ठीक है। अब देखते हैं हो कैसे रहा है। तो प्रकृति का सबसे बड़े मूल क्या है? ऊर्जा या द्रव्यमान, ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों कह सकते हैं। प्रकृति का सबसे मूल ऊर्जा है, और ऊर्जा किसमें निहित होता है? द्रव्यमान में निहित होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू एमसी स्क्वायर। बिना ऊर्जा के द्रव्यमान की कल्पना नहीं की जा सकती, और बिना द्रव्यमान के ऊर्जा की कल्पना, दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक, दोनों एक दूसरे के पूरक। तो ठीक उसी प्रकार जब ये आए तो इनके द्रव्यमान के लिए पार्टिकल्स होंगे, जो बेसिक डेफिनेशन में केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु, परमाणु और आयन ठीक है, यही बेस पार्टिकल्स है। अब कोई तो पार्टिकल्स, कोई जो पार्टिकल्स मीन कण, या अब यदि कण आपको एनसीईआरटी बुक्स में लिखा मिलेगा, या उसे गोला भी रिप्रेजेंट किया गया है कहीं कहीं ठीक है, क्योंकि तो बहुत से कण हैं जिनकी खोज अभी नहीं हुई, जैसे अभी बोसॉन या लॉर्ड पार्टिकल्स तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो अवयवी या कण, अवयवी कण या गोला आपस में किस प्रकार बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, उसी से क्या निश्चित होता है उनका आकार या प्रकृति राइट ना सही। तो सबसे पहले अगर गैस की बात करें तो गैस के कण या पार्टिकल सामान्यतः दूर दूर होते हैं राइट। इनके मध्य लगने वाला अंतरावैविक बल या आकर्षण बल क्या है? नगण्य है। क्या है? नगण्य। अपने हाथ मूव किया एक दूसरे से हट गए, यह पार्टिकल्स एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर रहे हैं क्लियर। इसलिए किस स्टेज में है? गैस, गैसेस अवस्था। नाउ सेकंड द्रव ठीक है, इनके पार्टिकल्स पास पास तो हैं ठीक है ना, पास पास है, लेकिन इनमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात पास पास है, आयतन निश्चित रहेगा लेकिन उन्हें आसानी से मूव कराया जा सकता है, अपने कण के साथ वो क्या कर लेंगे? मूव कर लेंगे। पानी को इधर से फैलाया, उधर बह गया, उधर बह गया, मूव कर रहे हैं ना आसानी से, तो क्या बन गया? लिक्विड बन गया। क्या बन गया? लिक्विड। नाउ दैट सेज कि पार्टिकल्स पास पास है,
उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल है, प्रबल अंतरावायु बल है और वह मूव भी नहीं करेंगे, मूव भी नहीं करेंगे, अपनी फिक्स स्टेज पर रहेंगे, राइट। तब वो क्या कहा जाएगा, ठोस। ठीक है, अब देखिए ये तीन हमारे स्टेजेस होते हैं। अब इन तीनों अवस्थाओं को बदल भी सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, तापन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर में जल हो जाएगा और वहीं अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे तो वाष्प बन जाएगा। और भी एग्जांपल अब इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त वस्तुओं की अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे कि इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, प्रथम बता चुके हैं, जिसे कहते हैं पत्थर को बदला जा सकता है, यस ऑफ कोर्स। लावा क्या है, पिघला हुआ पत्थर। या अगर हम बहुत से ऐसे ग्रहों की बात करें जिनमें वायुमंडल है, जिनमें वायुमंडल है, तो पृथ्वी पे वायुमंडल है तो किसकी बरसात होती है, पानी की, राइट। इसके अलावा कोई ग्रह आप जो जानते हो जिनमें वायुमंडल हो, जिनमें वायुमंडल हो तो वो कौन से हैं, मंगल पे आंशिक वायुमंडल है पर वहाँ बरसात नहीं होती है, शनि है और बृहस्पति है, नहीं देखिए शनि और बृहस्पति पे हीरे की झरने, हीरे के तालाब, हीरे की नदियां, अच्छा रहेगा ना, वही चला जाए। लेकिन अब यही कल्पना करिए कि वहां पे हीरे की बरसात हो रही है, मेथेन के बादल है, इसके बादल है मेथेन के, स्पलिंग होता है, बिजली चमकती है, तो मेथेन किसमें बदलता है, हीरे में, और गिरता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, जब वहां पे हीरे की बरसात हो रही है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी पे हीरा ठोस अवस्था में पाया जाता है और पृथ्वी के कठोरतम यौगिक में गिना जाता है, राइट ना, सबसे कठोर वो वहां पे द्रव अवस्था में है, तो टेम्परेचर मैटर करता है ना। आप वहां जाएंगे तो रात भी नहीं बचेगा, नहीं नहीं अभी तो हम मंगल तक पहुंचे हैं, हमारे पास जो सोलर टेलीस्कोप्स हैं या दूरबीन हैं उनकी मदद से हम देखते हैं या रेडिएशन वाले तरंगों को उससे देखा जाता है, हाय एक्सडीआरटी, ठीक है, कि कितना विकिरण लौट के वापस आ रहा है, तो वहीं पे चलिएगा, लेकिन जाने के बाद स्थिति क्या रहेगी कहाँ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि वो वहाँ का वायुमंडल है तो हम यहाँ ये क्या सीखे कि हम चीज़ों को उनकी अवस्थाओं को बदल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस ऑफकोर्स, तो पत्थर को गैस भी बनाया जा सकता है, यस और नो, यस बनाया जा सकता है कि लोहे की भी गैस बनाई जा सकती है, तब ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट कि हम ताप और दाब लगाकर अवस्थाओं को बदल सकते हैं। एक प्रत्यक्ष एग्जांपल आप सबके घर में सीएनजी है, एलपीजी घरों में सिलेंडर होता है ना, वो पानी जैसा होता है ना, क्योंकि प्रेशर से जब भरा गया तो एलपीजी गैस जिसमें मीथेन ज़्यादा रहता है लिक्विड स्टेज में आ गया। या आजकल जो ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं, जब तक बोतल के अंदर रहते हैं तो किसी स्टेज में रहते हैं लिक्विड, राइट, उनकी अवस्था क्या रहती है, लिक्विड रहती है, तभी तो प्रेशर करके भरा गया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो यहाँ पे हमने समझा सॉलिड स्टेट है, इनकी अवस्था को हम ताप और टेम्परेचर प्रेशर लगाकर चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब अवस्था बदलने पर उनका गुण बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसी पर डिसाइड होता है कि वह ठोस किस प्रकार के, राइट ना, कि अलग अलग स्टेज में वह कैसा गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, राइट। सॉलिड में क्या है, जैसे कि पानी ही है, लिक्विड में तो वैद्युत का चालक है, पर ठोस क्या बर्फ में बिजली का प्रवाह होता है, नहीं होता, सॉलिड आइस में करंट का फ्लो नहीं होता है ना, इंटरेस्टिंग। वैसे ही अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुओं का टेम्परेचर जब बढ़ता है, राइट ना,
तो उनमें करंट प्रवाह या धारा प्रवाह की शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है। जैसे आप मैग्नेट ले लें, चुंबक नामोल स्थान को अच्छा चिपक रहा है, अगर उसको गर्म कर दिया जाए, दो चुंबक को बिल्कुल आप लाल गर्म करके चिपकाइए, वापस में नहीं चिपके, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया तापमान बदलने पर। लेकिन बहुत से चीज़ें ऐसे ऐसे प्लास्टिक वो किसी भी स्टेज में ले जाओ उसमें बिजली का प्रवाह नहीं होगा। इस प्रकार इन दो स्टेज में कैरेक्टरिस्टिक किया गया या मीन बांटा गया है ठोस को या कल क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय, इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन और दैट इज एमोफस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोफस सॉलिड्स। तो ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? दो, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे चीज़ और आ गई तो खैर ये टॉपिक का इसमें जिसे एक आधा बता चुके हैं कि हम किसी भी परमाणु को क्या कहें, लोहे से सोना बनाया जा सकता है। लोहे से सोना बना सकते हैं कि नहीं? बस ठीक है, आप बना सकते हैं, आप भी बना लेंगे, बना देंगे, अरे मतलब बना जा सकते हैं, यस और नो? कैसे? हम नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन से एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित कर सकते हैं, पर वो काफी महंगा है अभी, इसलिए हम अभी वो संभव नहीं है करें, लेकिन हाँ प्रयोगशाला में इट्स पॉसिबल। तो अब बात करेंगे पहले क्रिस्टली और अक्रिस्टली पर। इस पर बात करेंगे क्रिस्टली सॉलिड्स एंड एमोर्फस या क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्रिस्टली है और एमोर्फस हमारा क्या है? अक्रिस्टली। तो ठोसों को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टली और अब क्रिस्टली और अक्रिस्टली के लिए आप अपनी बुक्स रेफर कर सकते हैं, उनमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि ये होते क्या हैं, ये होते क्या हैं। तो आइए उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसके बाद पेज नंबर 3 पे अगर आप बुक्स रेफर करें तो आप बुक से पॉइंट देखें तो मैं उदाहरण में लिखूँ थोड़ा इसी प्रतीक का हमें, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स गुण दिया है क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली, तो आइए देखते हैं कि बारी बारी से क्या है कि कैसे दोनों में हम डिफरेंट करें, डिफ्रेंशिएट करें, राइट ना? या दूसरी भाषा में जो ठीक है बात ना करें, दूसरी भाषा में हम सीधे इस प्रकार दे सकते हैं, यह वास्तविक ठोस है, यह क्या है? वास्तविक, और ये क्या है? भैया ठोस पर ठोस कैसे असली और नकली, वही चीज़ कह रहा है ना, साइंस कुछ ऐसा ही है कि भैया ठोस है पर ठोस नहीं है, ऐसे मैं कहूँ कांच ठोस है लेकिन ठोस नहीं है, भाई देखने में ठोस है लेकिन विज्ञान कहता है कि ठोस नहीं, वही कुछ मान रहा है। तो क्रिस्टली दैट इज वास्तविक है और ये अक्रिस्टली क्या है? आभासी, या इसी में हमारा आता है सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि अतिशीतित द्रव क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे गुण की, किसकी बात करेंगे? गुण की। तो पहला गुण या कैरेक्टरिस्टिक है ना आप सबकी, ये खो गई थोड़ा बहुत तो होगा ही, गुण तो सबके अंदर होता है और इस स्टेज में तो कूट कूट के भरा जगह, लेकिन इतना कूट जाता है बारीक हो जाता है दिखता नहीं, राइट ना? क्यों है ना बस काफी है, आप तो ऐसे बता रहे हैं कि आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है, मुझे अंग्रेजी कमजोर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं है, हिंदी बोल रहे हैं चरित्र। अच्छा एक चीज आज तक मुझे नहीं समझ में आया, जब आप इंटर पास कर लें इंटरमीडिएट तो एक चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, जो आगे कोई वैकेंसी जॉब पे लगे तो लगाना चाहता है, लेकिन 50 रुपये में देकर साइन हो जाता है स्कूल में, अब महंगाई आ गई है, 50 को 100 भी मांग लेते हैं, हमारे समय में तो 5 रुपये लेते थे, ठीक है? तो 5 रुपये 50 रुपये में आपके चरित्र का निर्धारण हो जाता है, और फिर भी कोई जॉब भरिए इंटरव्यू भरिए तो लगता है भैया चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लाओ, राइट ना?
मैं सोचता हूँ कि आज तक कोई स्कूल या कॉलेज किसी लड़के का लिख कर दिया होगा क्या कि इनका चरित्र उत्तम नहीं है। हाँ पैसा ज्यादा हो जाएगा, सही रहा। लेकिन ये एक ऐसी पावर है कि एक कॉलेज आपके चरित्र पर पूरा गोला लगा सकता है। एक पावर है जो सामान्यतः इतने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसी ठोस के चरित्र गुण की बात करेंगे हम। ठोस का चरित्र कैसा है, कैसा है? तो पहला आता है हमारा क्या है, आकार। ठीक है ना, साइज सिर। तो देखिए ध्यान दीजिए बात, अब ये कहेंगे कि भैया लोहा चौकोर होता है तो सोलम चौकोर होता है, वैसा ही क्या होता है। यहाँ पे आकार उनकी बाहरी अवस्था के लिए नहीं कहा जा रहा है, हम ग्रंथ की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आणविक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, उनके अणुओं के आकार और जो आकृति बन रही है अणुओं से उसके आकार की बात की जा रही है। ठीक है ना, समझ गया ना। इन्हें मैं लोहा भी एक जैसा दिखता है और एल्यूमिनियम भी एक जैसा दिखता है, लेकिन वो चमकता जाता है, काला दिखता है। तो यहाँ पे हम उनके एटम के आकार की बात करें कि वो किस प्रकार आपस में पास पास जुड़े हुए हैं। तो आकार की बात करें तो क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में जो बेसिक है कि क्रिस्टली का आकार क्या होता है, निश्चित निश्चित अभिलक्षणिक होता है, और अक्रिस्टली का क्या होता है, अनिश्चित। तो कहेंगे कैसा निश्चित और अनिश्चित। ठीक, अगर एक हम छोटे से लोहे का टुकड़ा लें, राइट ना, तो मान लीजिए हमने इसका आकार क्या है हमारा, निश्चित, और इसका क्या है, अनिश्चित। अगर मैं छोटे से लोहे का टुकड़ा ले तो उसमें बहुत से परमाणु होंगे, परमाणु का नियम याद है, भूल गए, आगे बताएंगे अवोगाड्रो संख्या, एक मोल, एक मोल में कितने परमाणु या अणु आयन होते हैं, 6.02। ओके, तो वो तो आगे इसके टॉपिक में आएगा, विलयन चैप्टर में उसमें बताएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। ठीक है, अगर इनमें हम कोई स्ट्रक्चर बनाए, ज्यामितीय संरचना, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, राइट, मॉडिफाइड हो गया, तो जैसे इनको हम अगर संरचनाएं बोले या इसको आगे में यूनिट सेल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूनिट सेल एक कोष्ठ का, तो हर एंगल से हमें सभी संरचनाएं कैसे मिलेंगी, एक समान कैसी मिलेंगी, चाहे आप इतने छोटे से लोहे में देखें, चाहे पूरी रेल की पटरी उखाड़ के उसका देख डालो, यहाँ से लेकर दिल्ली कलकत्ता चेन्नई तक हर जगह उस लोहे का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक जैसा। अभी ना करना है, सर मिलावट कर देंगे तो बदल जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं, बदल जाएगा, लोहे में कुछ मिला दो बदल जाएगा। जैसे कि लोहे में जंग लगती है तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, निकल मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं, राइट ना, जनरली जैसे स्टेनलेस स्टील क्या है, शुद्ध लोहा थोड़ी है, नहीं उसमें शुद्ध लोहा है, वर्क करके चल रहा है, ट्रेन लगातार जा रही है, ऊपर है उसके बगल में लगती है, रेल की पटरियाँ चेंज की जाती है, हाँ पेंट, हाँ छारों से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं, जो अपना स्ट्रेंथ में पड़े होंगे संचारण, राइट। अच्छा संचारण होता क्यों है, ऑक्सीजन के कारण हमें जंग लगता है, और वही ऑक्सीजन संपर्क में आए इसलिए हम क्या चाहते हैं, पेंट या धातु की परत, राइट। जैसे कि संसार से बचाने के लिए आप लोग अपने चेहरे को क्रीम और मेकअप से ढकते हैं, मतलब सब नहीं, ठीक है, और खास तौर से वो स्टेज वाली दुल्हन बेचारी इतना मेकअप लगा देते हैं, पहचान में नहीं आती है कि कौन है, बाद में बेचारा दूल्हा सस्ता होगा कि कौन था, स्टेज में तो नहीं समझ सब एक बराबर प्लेस कर दो, गड्ढा वड्ढा सब भर दो, जैसे वो लेबलिंग कराते नहीं और टोटा बेटर है। तो कहाँ पहुँचे थे, हाँ क्रिस्टली में ज्यामिति आकार क्या है, एक जैसा है, और अक्रिस्टली में क्या है, बड़ा समान। जैसे माना कि अक्रिस्टली में तीन अणु यहाँ थे, दो अणु यहाँ है, फिर ये यहाँ है, बीच में एक गैप हो गया, राइट, फिर यहाँ है,
इस प्रकार उनकी आकृति क्या बनेगी, विषम बनेगी। क्या रहेगी? अगर इनमें हम कोई एक ज्यामिति संरचना बनाए तो एक जैसी प्राप्त नहीं होगी। अंतर मिल रहा है? तो इस प्रकार इनका आकार निश्चित और इनका आकार अनिश्चित, इनकी ज्यामिति संरचना क्या है, अलग है, अनिश्चित है, अकृष्ट है। तो पहला गुण है इसका, पहले चित्र निर्धारण हम लोगों ने। नाउ देखते हैं सेकंड, सेकंड क्या है? गलनांक, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक जानते हैं ना, मेल्टिंग पिघलना। आप सभी पिघलते हैं कि नहीं पिघलते हैं? अरे उनका बात सुन के हम पिघल ही है, किसी से बहुत ज्यादा अगर बुरा हो तो कुछ बोल दे तो पिघल जाते हैं ना। ठीक है, आगे तो धातुएं भी पिघल जाती है मेल। ओके बात, सभी धातुओं का एक या वस्तुओं का यौगिक का क्या होता है? गलनांक होता है। तो अब गलनांक के क्रम में जो क्रिस्टलिन है इनका गलनांक क्या होता है? निश्चित। फिक्स। जैसे कि मैं अज्यूम करूं कि लोहे का गलनांक 1460 डिग्री सेंटीग्रेड है अप्रॉक्स, नियर अबाउट। तो यह जैसे ही टेम्परेचर 1460 डिग्री सेंटीग्रेड होगा लोहा क्या होगा, पिघल जाएगा ना? ज्यादा होगा तो और गर्म होगा, और ज्यादा होगा तो उड़ेगा, वाष्प बनाएगा, राइट? वो 1460 से पहले नहीं पिघलेगा, राइट ना? मीन एग्जैक्ट, जैसे पानी का गलनांक क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक क्या, 0 से 1 जैसे बढ़ेगा वो क्या होगा? हाँ, इस दौरान एक चीज होती है ना, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, जो अवस्था परिवर्तन में धातु द्वारा अवशोषित की जाती है या निर्गत की जाती है। पता है नहीं, डेंथ में था या लेटेंट हीट होते हैं। जैसे कि अगर हम बर्फ को अगर फ्राई पैन में रख कर पिघलाएं, तवा कराई, ठीक है, तो फ्राई पैन में रख जब पिघलाएं तो बर्फ का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री, उस पर सेंटीग्रेड लगा दीजिए। जब आग देते रहिए आप, जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी पानी का भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री। इस दौरान आपने जो ऊष्मा दी वो कहाँ गई? उस पानी ने अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या किया? अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, ठोस से लिक्विड आ जाएंगे अपने फिक्स टेम्परेचर पर। और क्रिस्टलिन एमोर्फस का क्या होता है? रेंज या परास। रेंज या परास, अर्थात क्या होता है? उसके बीच में, बीच में मतलब दो की तीन की संरचना को टेम्परेचर किससे नापते हैं सर? टेम्परेचर थर्मामीटर से नापते हैं सर, नहीं ज्यादा टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर। और क्या वो जो यंत्र है नापने का, नापेंगे केल्विन पैमाना है, सेंटीग्रेड पैमाना है, थर्मामीटर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? आगे चलते हैं तो ओके ठीक है, देखो अभी क्या ये मैं तापमान गलनांक के लिए लिखा रहा हूँ, वो परास नहीं, रेंज, रेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अकृष्टि की बात करें तो जैसे कि प्लास्टिक के लिए, क्या ले लें? प्लास्टिक। अब इनका तापमान फिक्स नहीं होता है, जैसे कि अगर कोई प्लास्टिक आप गर्म करें तो वो एक रेंज में देंगे। जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक है जो 75 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य निकलता है, एग्जैक्ट नहीं कर देंगे, राइट ना? कि जब 75 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, साफ, धीरे 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 एक रेंज, इनका तापमान कर्व बनाता है। क्या बनाता है? कर्व। इस रेंज से पिघलेंगे, आप उन्हें कितनी भी हीट दे दें जब तक पूरा रेंज और टाइम नहीं लेंगे वो पिघली अवस्था में नहीं आए। ये इनका एक वेरी करता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, पहले समय चूड़ियाँ बनाई जाती है ना, राजस्थान में हाथ से चूड़ियाँ बनाई जाती है, वो राजस्थान में लोग करा नहीं पाते, बैंगल्स जिसे बोलते हैं, बैंगल्स से चूड़ियाँ, वो जो आजकल क्या बोला जाता है ना, अरे क्या बोलते हैं, चूड़ा, तो प्लास्टिक का चूड़ा, चूड़ा सॉरी, प्लास्टिक का चूड़ा आता है
तो ये कांच का भी चूड़ा आता है। राजस्थानी लोग अगर राजस्थानी वीडियो आप देखें तो औरतें मोटा मोटा पहन लेते हैं कहीं ना, ज़्यादातर उनको हाथ से बनाया जाता है। कहें कैसे, एक कांच का लंबा सा वो लेंगे रॉड और गर्म करेंगे भट्टी पे, उसी पे रंगीन कांच लिखते रहेंगे और गर्म करके बेलन की तरह बेलते रहेंगे। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। फिर जो डेरी बनाते उनका फिक्स नाप रहेगा, काट के उसको क्या करेंगे, गोला कर देंगे। सर उसे गोला कैसे करते हैं, जो पतला से रहता है ना? तो जब लंबा हो जाएगा, मुलायम रहेगा ना, उसको गोला करके जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उनके पास एक गोला सा बेलन रहेगा, उसमें डाल के उसको गोला करके चिकना कर देंगे। तो समय जब मुलायम है आपस में चिपक जाएगा, राइट ना। या जैसे कि आप नॉर्मल घर में जो चूड़िया पतली वाली होती है ना, उनकी मोमबत्ती या गैस के आगे ले जाए तो मुड़ क्या होगी, बैंड हो जाएगी। इस प्रकार आप एक जंजीर जैसा बना सकते हैं नकली। ठीक है, ट्राई करिए। आगे आते हैं तो पिछली जो अपिछली सॉलिड्स होते हैं उनका तापमान या गलनांक क्या होता है, रेंज होता है। क्या होता है, रेंज, परास, निश्चित परास में वो पिघलते हैं। नाम नेक्स्ट होते हैं। तो हमने दो गुणों के बारे में पढ़ा, थर्ड गुण हमारा क्या है, विदलन। मतलब काटना, विदलन मतलब काटना। अगर हम क्रिस्टली क्रिस्टली सॉलिड्स को काटें तो स्मूथ स्मूथ समझ रहे ना, जो इनके कण है पाटर सभी कण एक बराबर कटेंगे, देखिए राइट। तो सब की सरफेस कैसी मिलेगी, एक जैसी, समान हर जगह समान सरफेस मिलेगी, नहीं मिलेगी। और इनमें क्या मिलेगा, काटने पे खुरदुरी सतह, कैसी सतह मिलेगी। जैसे ये देखिए, अगर मैं यहाँ से काट रहा हूँ, यह पार्टिकल से यहाँ पे बिल्कुल पार्टिकल का लैप हो गया, तो क्या आ जाएगा, डिप हो जाएगा चीज़ें। और अपिछली सॉलिड्स को काटने पर खुरदुरी सतह प्राप्त होती है, कभी ना कहीं शीशा काटने में चिकनाई होता है। ये बात की जा रही है पार्टिकल्स के टर्म में। अगर उसको शीशे की सतह जूम करें या ध्यान से देखें तो उसमें एक थोड़ी सी आपको लहर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, लहर। दिखने में चिकना रहेगा लेकिन जूम करने में कैसा दिखाई देगा, लहर, टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक जैसे नहीं होते, एक जैसे। इसलिए काटने पर एक ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा या खुरदुरी, और पिछली कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं, स्मूथ या चिकनी। या तीसरा गुण था इनका क्या था, विदलन, क्या बोलते हैं। नाव चौथा हमारे पास क्या है, गलत एंथैल्पी, इनकी उनको आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिससे वह एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाए, ये दोनों में अंतर होता है, गलत एंथैल्पी। और नेक्स्ट आता है हमारा दैसिकता, क्या आता है, दैसिकता, आइए से गलत एंथैल्पी। जो गलत एंथैल्पी है वो बताती है, जो हमारी हिस्ट्री की है, इनकी गलत एंथैल्पी फिक्स होती है, क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे इनकी गलत एंथैल्पी बढ़ती चली जाएगी। जब तापमान देंगे गलत मतलब समझते ना, मेल्टिंग, पिघलना, ठीक है। तो हमने अभी गुप्त ऊष्मा के बारे में बात की थी, ऊष्मा को क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। कि अब ऊष्मा कितनी, हर तापमान बढ़ाने के दौरान ऊष्मा की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसकी ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन इनमें ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ देर बाद उनकी ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, कम हो जाए। इसमें गलत एंथैल्पी क्या है, अजीज क्या है, हो सकता है कभी बढ़े कभी घटे, और इनमें क्या है, सतत रहेगा, क्या रहेगा, सतत लगातार बढ़ेगी, राइट। तो लगातार और गर्म करने की और आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता देगा, पर अब इसी में ऐसा नहीं। नाउ नेक्स्ट जो है इसका गुण, दैट इज दैसिकता। दैसिकता को दो प्रकार से समझा जा सकता है, दिशा, दिशा और दशा, दिशा और दशा दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहले दिशा के बारे में बताते हैं, देखिए अब एक मैंने चीनी का या किसी लोहे का क्रिस्टल लिया, उसमें मैंने एक तरफ से प्रकाश तरंग डाली, प्रकाश तरंग डाली, तो हर एंगल से कणों से जो ऊपर तरंग टकराएगी वह एक निश्चित होगा। जैसे देखिए इस तरह सभी कड़े सिर में आ रहे हैं, अगर मैं तिरछा करूं
तो भी वो एक ही को ग्रसित करेगा, राइट ना। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पाँच प्लस इस तरह से प्रकाश डालूँ तो भी उसका गुण क्या होगा हमारा एक जैसा, उसका गुण क्या होगा एक जैसा होगा। तो यहाँ से जैसे विभिन्न दशाओं में विषम दशा या किसी भी दशा में उसके साथ व्यवहार करिए उसका गुण क्या रहेगा वो विषम दशा रहेगा। विभिन्न दशाओं में उससे प्रवर्तित होने वाले तरंगों के मध्य कणों की संख्या घटेगी और बढ़ेगी और गुण परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। पर इनमें कौन सा अपिष्टनी में जो दैशिकता वाला गुण है वो क्या रहेगा समदैशिक रहेगा। समदैशिक समझ रहे हैं ना, किसी भी परिस्थिति में उनका गुण कैसा रहेगा एक जैसा, उनका गुण कैसा रहेगा एक जैसा। हाँ सरल एग्जाम्पल में आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि प्लास्टिक को वैद्युत का अचालक है तो अचालक ही रहेगा किसी भी स्टेज में रहते हैं सॉलिड में लिक्विड में गैस में। विषम दैशिक में वो वही ग्रेफाइट है उसमें अगर चालक है ठोस में लिक्विड में चालक नहीं, या पानी है लिक्विड में वैद्युत का चालन करता है ठोस में नहीं करता है, नमक है ठोस अवस्था में नहीं करता है विलयन में करता है। तो विषम दैशिक व्यवहार दर्शाते हैं अपने पार्टिकल्स के कारण, अपने पार्टिकल्स के कारण ये दैशिकता हो गई। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा प्रकृति। प्रकृति का मतलब कि वास्तविक रियल लाइफ में उनकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति वही हम जो सबसे पहले हमने बात की उसकी ओके बाद में इनकी प्रकृति जो है क्या है वास्तविक ठोस है। विज्ञान की भाषा में क्रिस्टली या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही वास्तविक ठोस कहा जाता है और अक्रिस्टली को आभासी ठोस कहेंगे। क्यों वास्तविक ठोस मतलब क्या, ठीक है। एक लोहे को अगर निश्चित तापमान निश्चित दाब में रखा जाए राइट ना, अक्रिय वातावरण में, अक्रिय समझ रहे ना कि वो जंग न लगे छाल न लगे, तो लाखों करोड़ों साल तक भी क्या उसकी आकृति में परिवर्तन होगा नहीं, नहीं होगा राइट। तो तभी तो ठोस है हम कह सकते हैं ना, तो वह क्या कहा जाएगा वास्तविक ठोस। लेकिन जो हमारे अपिष्टनी सॉलिड्स होते हैं इनको आप अक्रिय वातावरण में भी सालों तक रखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल या किसी अन्य आंशिक बल के कारण इनके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं पुराने कांच के बर्तन अगर एक जगह रखे जाएं तो नीचे क्या हो जाएंगे मोटे हो जाएंगे, नीचे क्या हो जाएंगे मोटे हो जाएंगे। या रबर, रबर समझते हैं ना आप, रबर खरीद के अलमारी में रख दीजिए कुछ दिन बाद आपस में क्या होंगे चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे, क्योंकि ठोस होने के बावजूद उनमें पिघलने का समझ रहे ना, उनके कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण के साथ क्या है प्रवाह है, क्या है प्रवाह है। सीधा कांच दीवार पर लगा के रख दीजिए सैकड़ों सालों के बाद वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा मोटा हो जाएगा ऊपर की तरफ पतला बह रहे हैं कि है तो सॉलिड लेकिन ठोस होने के बावजूद उनके कण जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं आंशिक रूप से धीमी गति से, कैसे क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं। और कोई कण मूव कर रहा है तो क्या उसे सॉलिड माना जाएगा नहीं। इसीलिए जो सेकेंड कैटेगरी आती है दैट इज आभासी ठोस, इनमें कणों का एक प्रवाह बना रहता है जैसे कि कांच हुआ प्लास्टिक हुआ रबर हुआ ये सब किस कैटेगरी में आते हैं हमारे अक्रिस्टली ठोस में आते हैं। इसको ही सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है अति शीतित द्रव, कि देखने में तो ये हमारे ठोस हैं पर ये अति शीतित ही इनके अंदर कणों में प्रवाह बना है, क्या बना है प्रवाह। इसलिए इसे क्या कहा जाएगा सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इसके डेफिनेशन से आप सुपर कूल्ड लिक्विड को याद कीजिएगा, बाकी भी नोट्स लिखाएंगे तो उस पर रेफर कर सकते हैं आप। नवा ये हो गया ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मुख्य हमारे जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। नाउ यहाँ मैं आपको एक क्वेरी या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एंड यू कैन आस्क ओके एनीबॉडी एनी क्वेरी। अक्रिस्टली की वो सॉलिड स्टेट में है ओके, उनमें आंशिक रूप से प्रवाह बना है ठोस अवस्था में भी कणों के मध्य क्या है प्रवाह
बर्फ क्रिस्टली है, बर्फ क्रिस्टली है, बर्फ चीनी है, सामान्य ताप पे पानी भी बन जाता है, क्या सामान्य ताप पे पानी रहता है, सामान्य ताप पे पानी रहता है वो मैटर नहीं है कि एक स्थिर ताप पर भी प्रभाव बना रहे। अगर बर्फ को 0 डिग्री टेम्परेचर पर रख दें तो बर्फ का स्टेचू बर्फ ही रहेगा, वो उसी स्टेचू में रहेगा। बर्फ के स्टेचू बनाए जाते हैं ना, चाइना में भी बर्फ का उत्सव मनाया जाता है, राइट ना, वहाँ पे स्टेचू और होटल्स बनाते कांच कांच भी दो होते हैं, नहीं नहीं इस बट नहीं, एक कांच ऐसा भी होता है जो क्रिस्टली होता है। अच्छा आप सब भी देखे हैं, एक कांच तोड़ो बड़े बड़े टुकड़ों में टूटता है आगे करें चीज, और एक कांच होता है जो बड़े बड़े मॉल्स है उसमें लगता है कि एक धक्का भी लगेगा जैसे, हाँ जैसे वो बाइक या फोर व्हीलर के आगे वाला कांच होता है जो अच्छे क्वालिटी के, बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़े, वो अक्रिस्टली कांच नहीं है, वो क्रिस्टली कांच है, क्योंकि अक्रिस्टली कांच छोटे मोटे जैसे नॉर्मल घर का कांच टूटेगा तो कोई अनिश्चित आदमी को नहीं टूटेगा, बड़े बड़े बड़ा छोटा कुछ हो सकता है, बड़े दूसरा कांच का आता है बहुत छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है ना, तो कांच में दो कैटेगरी में आता है, उसी में एक एग्जाम्पल हमारा स्फटिक भी आता है, क्वार्टज क्वार्टज कांच क्या ग्रेफाइट ग्लास दैट इज नॉट कांच दैट्स फाइबर ग्लास, वो फाइबर ग्लास है, ठीक है। तो इसमें जो कटिंग होगी आप पूछ लीजिएगा, आज की वीडियो में इतना ही, आप रेफर कर सकते हैं वीडियो को अपने नॉलेज के लिए, थैंक यू।